हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ऑरेंजेस कॉस्ट ₹54 फॉर 3 dozen, यानी 3 dozen ऑरेंजेस जो है उसका कॉस्ट क्या है, ₹54, ठीक है, इन सुपर मार्केट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 oranges? तो बोल रहा है अगर 8 oranges खरीदेंगे तो क्या कॉस्ट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कितने ऑरेंजेस का कॉस्ट पूछा है, 8, और यहाँ कितना दिया है, डजन में। पहले हम इसको चेंज करते हैं, किस में, नंबर ऑफ ऑरेंजेस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखिए 3 dozen ऑरेंजेस में कितना हो जाएगा, यानी कि 1 dozen में कितना होता है, 12, तो 3 में कितना हो जाएगा, 12 × 3 यानी 36 ऑरेंजेस हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो गए, 36, यानी कि 36 ऑरेंजेस हमको कितने रुपीज़ में मिलते हैं, ₹54 में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट बी यक्स, ठीक है, हमने मान लिया कॉस्ट यक्स क्योंकि हमसे पूछा व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है। अब चलिए इस तरह बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे, कॉस्ट कितना है 54, ठीक है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना है 36, अभी देखिए हमने निकाला है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जा रहे हैं, 8, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 8, अब कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि इनवर्स वेरिएशन का कैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। देखिए यहाँ पे अगर मेरे को लेना है 36 ऑरेंजेस, ठीक है, तो कितना कॉस्ट लगता है, ₹54 लगता है, ठीक है। अगर मेरे को 8 ऑरेंजेस लेना है, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अगर हम कम ऑरेंजेस लेंगे तो यहाँ हमको कॉस्ट भी क्या लगेगा, कम लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये केस किसका हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन का हुआ, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देयरफोर 54/36 इक्वल्स टू x/8, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल 54 × 8 इक्वल्स टू 36 × x, ठीक है। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, 54 × 8/36, ठीक है। देखिए ये किसे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, ठीक है, 9 × 9 = 9, 9 × 6 = 54, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 × 2 कितना होता है, 12, यानी ठीक है। तो कॉस्ट कितना निकल गया, यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस, ठीक है, कितना निकल गया यहाँ पे हमारा, ₹12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, इसको फ्रैक्शन में रख के कट करके देखेंगे, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 hour 30 minutes, तो एक कार है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 hour 30 minutes में कवर करता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट द सेम स्पीड, तो अगर उसी कार को 100 किलोमीटर जाना है और उसी स्पीड से जाना है तो कितना उसको टाइम लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द टाइम टेकन बी एक्स, ठीक है, इस तरह बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेंगे किलोमीटर और टाइम लिख लेंगे मिनट में, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक काम और करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या करना है, देखिए ये हमको दिया है 1 hour 30 minutes में, तो हम इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसान होगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, 1 hour 30 minutes को हम किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90 minutes हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 1 hour में कितना मिनट, 60 + 30 हो जाएगा 90 minutes, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भर लेते हैं, डिस्टेंस हमारा देखिए कितना है 60, टाइम कितना लगा 90, ठीक है, मिनट, ठीक है। और देखिए क्या बोला है अब, कि अब डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 100 किलोमीटर, तब इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि इनवर्स वेरिएशन का केस है कि डायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगता है 90 मिनट, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किसका केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो लिखेंगे, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको,
60/90 इक्वल्स टू 100/x, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए इधर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 60 × x इक्वल्स टू 90 × 100, ठीक है, x इक्वल्स टू 90 × 100/60, ठीक है। देखिए ये 0 0 कट हो जाएगा, ये दोनों 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ आ गया 50, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 3 × 50 150, ठीक है, यानी कि हमारा टाइम कितना लगा, तो लिखेंगे टाइम इक्वल्स टू 150 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे इस मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं बोलूँगा कि मैं 180 मिनट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा अरे 180 तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा 3 आवर्स पढ़ता हूँ तो ये सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो यानी कि अगर 60 यानी कि 59 से ऊपर जाता है मिनट तो हम उसको आवर में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ कितना 150 मिनट है, ठीक है, तो 150 मिनट इक्वल्स टू डैश हमको यहाँ पे चेंज करना है आवर में, ठीक है, तो चलिए चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमको किस में चेंज करना है, आवर और मिनट में, ये दोनों में चेंज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितना होगा, देखिए 2 आवर 30 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना इसका आंसर आएगा। अब ये कैसे आएगा देखिए, क्योंकि हमको किस में लेके जाना है, मिनट से आवर में लेके जाना है, तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या लेके जा रहे हैं, छोटे से बड़े यूनिट में लेके जा रहे हैं, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको डिवाइड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए 150 / 60, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ लिखा 150 और यहाँ लिखा 60, यहाँ 2 बार में 120, यहाँ बचा 30, ठीक है, तो ये वाला आवर हो जाता है, ये वाला मिनट हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भर लेंगे 2 आवर 30 मिनट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड टू वेरी डायरेक्टली विद द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम इट। तो एक कोई इलास्टिक का स्प्रिंग है और उस पर वेट डाला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट वेरिएशन का, यानी कि जितना वेट डाला जाएगा उतना स्प्रिंग एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग का, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखिए, इफ़ अ वेट ऑफ 75 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 1.4 सेंटीमीटर, अगर 75 kg वेट डाला जाता है उस स्प्रिंग पे, तो उसका एक्सटेंशन कितना होता है, यानी कि एक्सपेंड वो कितना होता है, 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेट दैट वुड प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 9.8 मीटर। तो बोल रहा है कि वो वेट बताइए जब हम स्प्रिंग पे डालेंगे तो उसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, 9.8 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लेट द वेट बी एक्स, ठीक है, हमने यहाँ वेट को क्या मान लिया, एक्स, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द वेट, ठीक है। चलिए इस तरह बॉक्स बना लेंगे, लिख लेंगे वेट केजी में और एक्सटेंशन सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 75 kg वेट डाला जाता है तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होता है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है अगर 9.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है स्प्रिंग का तो कितना उस पर वेट पड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये किस वेरिएशन में है, आपको पहले ही से बता दिया है कि कौन सा वेरिएशन में है, डायरेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है वेरी डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, देयर फोर 75/1.4 इक्वल्स टू यक्स बाय 9.8, ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, ये पहले ही हमको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीपल, यहाँ पे 75 × 9.8 इक्वल्स टू 1.4 × यक्स, 1.4 × यक्स, यक्स इक्वल्स टू 75 × 9.8 / 1.4, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे 75 × 98/1.4, ठीक है, इंटू, ठीक है, देखिए यहाँ डेसिमल बाद कितना डिजिट है, 1, तो वहाँ पे हम कर देंगे 10, यहाँ भी देखिए डेसिमल बाद कितना डिजिट है तो नीचे लिखेंगे 10, ये 10 10 हो जाएगा कट, ठीक है। अब देखिए चलिए इसको काट देते हैं, 7 से 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 7 4 जा 28, ठीक है, अभी भी देखिए कट जाएगा, 2 से 2 1 जा 2 2 7 जा 14, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यक्स इक्वल्स टू 75 × 7, ठीक है, 2, यानी 5 2 5,
तो वेट कितना मेरा निकल गया, वेट इक्वल्स टू 525 kg। तो अगर 525 kg वेट पड़ेगा तब जाके स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा, 9.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन 25 डेज द अर्थ पिकअप्स 6×10⁻¹ पाउंड्स ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोसफेयर। यानी 25 डेज में अर्थ जो है कितना डस्ट पिक करता है, 6×10⁻¹ पाउंड्स। ठीक है, हाउ मच डस्ट विल इट पिक इन 15 डेज। तो बोल रहा अगर 15 डेज का समय है तो कितना डस्ट पिक करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द वेट ऑफ डस्ट बी यक्स। ठीक है, इस तरह बॉक्स बना लेंगे, लिखेंगे वेट पाउंड्स में और नंबर ऑफ डेज। तो वेट कितना है देखिए, 6×10⁸। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितना है, 25। तो यहाँ लिख लेंगे 25। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना डेज है, 15 डेज। तो यहाँ लिखेंगे 15 डेज। तो अब ये कितना डस्ट पिक करेगा, तो यहाँ लिखेंगे यक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनवर्स वेरिएशन में है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना है, 25। तो कितना डस्ट पिक कर रहा है, 6×10⁸। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डस्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये किसका है वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 6×10⁸ बाई 25 इक्वल्स टू यक्स बाई 15। चलिए कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा देखिए, 6×10⁸ इंटू 15 इक्वल्स टू यक्स इंटू 25। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया। ठीक है, चलिए यक्स के वैल्यू निकाले थे, यक्स इक्वल्स टू 6×10⁸ इंटू 15 बाई 25। 5 से कट हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 5×5 = 25। यक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 इंटू 10⁻¹ बाई 5। ठीक है, अब चलिए हम 18 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यक्स इक्वल्स टू 3.6×10⁻¹। ठीक है, तो हमने क्या माना था, लेट द वेट ऑफ डस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ डस्ट कितना आ गया मेरा, इक्वल्स टू 3.6×10⁸ पाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे चैप्टर 4 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।